देखिए आपने पिक्चरें देखी दो हजार की मैंने लगाई हैं जो वो अपने बाप के घर थी तो उसकी कैसी शक्ल कैसा रूप होता था प्यारी सी कपल्लू सी जैसे बच्चियाँ होती हैं हस्ती मुस्कुराता चेहरा और ये मनूज शहिर के घर जब से आई है हड्डियों का ढांचा हो चुकी है इस बेगैरत बेगैरत औरत को ये नज़र नहीं आ रहा कि इतनी छोटी बच्ची का क्या हशर कर दिया इस बेगैरत ने यह आज बैठ के रो रही थी वीडियो में रो रही थी मगर मच के आंसू निकाल रही थी और ये समझ रही थी कि इस पर बहुत तर्स खाएंगे लोग बेगैरत औरत ये हक को सच की देवी जो बनती है इसको जब तर्स नहीं आया जब उसकी माँ बेहोश हो गई थी कि वो बेटी से मिलने नहीं दिया पाँच मिनट उसके पास नहीं बैठने दिया और मुस्तकिल ये बोलते रहे कि वो तो दस बारह मिनट पंद्रह मिनट की मुलाकात थी ये लोग झूठ बोल रहे हैं और उसने बोला ही नहीं है कि मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ और उन्होंने उनके माँ बाप को झुटला दिया उस वक्त जब उसकी माँ कह रही थी कि वो कह रही है कि मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ मैं बयान देना चाहती हूँ वो बाहर आके बेहोश हो रही थी उसकी माँ तो ये कह रहे थे ड्रामे हैं माँ की मोहब्बत ड्रामे हैं और इसकी मोहब्बत सच्ची है उनसे ये ये अभी उनको गाली दे रही थी ना बहुत ही जलील इंसान है काजमी साहब को बोला था ना तो ये है ये है वो जलील औरत ये है सॉरी आज मैं इसी की गालियाँ इसी को पलट के दूंगी ये है वो जलील औरत ये करती है उसके माँ बाप से ज़्यादा मोहब्बत ये करती है दो हजारा से ना ये बैठ के आंसू बहा रही थी छः बजे इतना मेकअप थोप के फिल्टर लगा कर आंसू बहा रही थी और इस पे तर्स खाएं हम लोग फादर्स डे पर जब उसके बाप की वीडियो आई थी रोते हुए तो ये ये मजाक उड़ा रहे थे ये सारे जलील कमीने लोग मजाक उड़ा रहे थे उसका उस बाप की मोहब्बत का मजाक उड़ा रहे थे जिस बेटी को पैदा किया उंगली पकड़ के चलना सिखाया वो रो रहा था बाप अपनी बेटी के लिए जिसने दो ढाई महीने से अपनी बेटी की शक्ल नहीं देखी थी वो वो झूठ बोल रहा था वो ड्रामे कर रहा था उससे दो हज़ारा नफरत करती है इनसे मोहब्बत करती है ये इस काबिल हैं कि इनसे मोहब्बत की जाए पूरी दुनिया से जिनको नफ़रत मिल रही है गालियाँ मिल रही हैं लानतें मिल रही हैं सारा सच सारा सच इन्होंने बोला है आज इस कबीस औरत ने के उसको शेल्टर होम में रखेंगे उसको वॉशरूम नहीं जाने देंगे उसको गोलियां खिलाएंगे, उसका ब्रेन वॉश करेंगे ये ये सब कुछ होता था जहीर के घर पता चला आप लोगों को ये जुल्म होते थे जब भी वो बच्ची तकलीफ़ के बाद तकलीफ़ों के बाद उसने वो ज़बान बोलनी शुरू कर दी जो वो कहलवाना चाहते थे उसको वॉशरूम नहीं जाने देते होंगे उसको नशे की गोलियां खिलाते थे उसको बिल्कुल उसकी आंखें देखे कितनी बिल्कुल नशे में रहती थी आंखों के नीचे हल्के पड़ गए थे उसको प्रॉपर खाना नहीं देते थे वो जो खाना चाहती थी वो नहीं मिलता था उसको जो अपने बाप के घर में पिज़ा नूडल्स बर्गर ये चीज़ें खाने वाली बच्ची वहाँ पर वो सब्ज़ी रोटी उससे खाई नहीं जाती होगी तो ये कहते थे कि हम उसको पिज़्ज़ा खिलाते हैं एक दो दफ़ा खिला दिया होगा तो उसकी तस्वीरें बना के दिखा दी इन लोगों ने खबीसों ने कि देखो इस औरत को तर्स नहीं आया उस बच्ची पर तर्स नहीं आया जो ये बोल रही थी कि अल्लाह का पक्का वादा करें ये हम भी करते थे कि पक्का वादा पक्का वादा कसम खाने की तो इजाज़त थी नहीं हमारे घर में कभी अल्लाह की कसम खाओ ये खाओ कभी सुन लेती हमारी अम्मी तो शायद हमारे मुँह ही जला देती जबान जला देती माँ बाप मारते हैं गलत बातों पर मारते हैं हमें भी मार पड़ी है घर से भाग जाते कि मार पड़ रही है बे औरत तुझे कभी मार नहीं पड़ी ना बहुत ही तू तो बहुत आला अफजल खानदान की है मार पड़ जाती पड़ जाती तुझे तो शायद तू सुधरी हुई होती बे औरत शायद तू सुधरी हुई होती आज रो रही है कि मेरे दोस्त छूट गए वो दोस्त खुशकिस्मत थे जिनको तेरी असलियत पता चल गई जिनको तेरी असलियत पता चल गई वो लोग खुश खुशकस्मत थे कि उनकी जान छूटी ऐसी मक्कार औरत से और तेरा शोहर जो अभी तक शक्ल नहीं दिखाई है ना, वो वो लीडर है इस गो, इस गैंग का असल में वो करता है ये काम और तू उसकी सहूलतकार है बेरत वो है वो उस जो गुजरात का जो गैंग है ना गोगा गैंग वो लीडर है उसका ऐसे ही तूने शादी नहीं की है ऐसे ही तू लड़कियां नहीं फंसवा रही है इस जहीर से इतनी मोहब्बत ऐसे ही नहीं आ रही है तेरे अंदर अब बैठ के आंसू बहा रही है अब तुझ पे रहम खाएं छूटे मगरमच के आंसू और अब बात करते हैं वो शौकत परेशानी की उस ख़बीस का भी सारी ये जानबूझ के ये जो की है ना लिखाई में सारी गलतियाँ कि शब्बीर को बशीरा कर दिया और इसको वो कर दिया और उसको वो कर दिया दुआ का नाम गलत लिख दिया अदा आ कच करके अजा आ रहा अल्लाह माफ़ करे पता नहीं क्या लिख दिया ये इन्होंने जान बूझ के किया ये जान बूझ के किया ये समझ रहे थे कोई पढ़ेगा नहीं कुछ नहीं होगा और वहाँ पर ये पहुँचा देंगे और सब कुछ वो हो जाएगा कि ये तो शब बशीर लिखा हुआ है ये तो शब्बीर है और ये तो ये है ये जानबूझ के किया है इन खबीसों ने ये पुलिस वालों ने इन सब को पैसे मिल गए इन सबको पैसे मिल गए थे आधे आधे से ज़्यादा पैसे मिल गए थे अब इनको ये वापस करने पड़ेंगे इसीलिए शौकत परेशानी इस परेशानी में है ये खबीस मनूस इसकी शक्ल देखें इसको भी पकड़ें और लिख मारें लेकिन ये क्या करें कि पुलिस वाले पुलिस वालों को नहीं मारेंगे वकील वकीलों को कुछ नहीं करेंगे डॉक्टर डॉक्टर को कुछ नहीं करेंगे भले ही गलत हों ये लोग हक और सच का साथ नहीं देंगे इतने बेगैरत लोग हैं क्या हशर कर दिया उस लड़की का क्या हशर कर दिया और अभी तक वो पक, पकड़े नहीं गए ये पुलिस वालों की कर्द कर्दगी है अड़तालीस घंटे हो गए तकरीबन अभी तक वो जहीर मनूज पकड़ा नहीं गया इस बेगैरत औरत से पूछो इसको पता होगा कि वो कहाँ है इसको बिल्कुल सही पता होगा इसलिए कि इसका तो शौहर सरगना है वो, वो लीडर है लीडर जो मालिक होते हैं ना गैंग के वो है भाई सबसे बड़ा गोगा गैंग चलाता ही वो है इसका शोहर उससे पूछो कहाँ है पकड़ो इसके शौहर को पकड़ो इस औरत को ये बताएंगे कि वो कहाँ है असल में इस मनूस औरत को ये नज़र नहीं आ रहा कि सीडिया और सब कुछ निकल आई वो लोग वहीं पे मौजूद थे रेकी हो रही थी उसके घर की किस तरह उसको बैला फसला कर लाए ये भी अगवा में ही आता है वैसे तो बहुत काबिल बनती है मनुस औरत इसको ये नहीं पता कि माइनर बच्ची को इस तरह बहला फुसला के लेकर आए तो वो भी अखवा में ही आता है और किस तरह के रास्तों से लेकर आए इसको अगर इतने ही शरीफ सीधे साधे लोग होते तो सीधे हाईवे से लेकर आते लेकिन नहीं और सत्रह को शाम को पहुँचे हैं ये अपने यूनिवर्सिटी और जहाँ भी ये रहते थे मनूस तो निका कैसे हुआ निका की बात की वीडियो है और ये निका भी इसके ऑफिस ऑफिस में हुआ है इस मनुष औरत के ऑफिस ऑफिस में हुआ है सबकी सबकी हर हर चीज़ निकालनी चाहिए इस औरत के बारे में पता चलेगा कि कहाँ निका हुआ है सब कुछ पता चलेगा और ये उस वक्त ये जब वीडियो बन रही थी ये औरत भी खड़ी हुई थी इस झूठे निकाह में इसकी भी सीडीआर और सब कुछ निकले तो पता चलेगा ये कहाँ कहाँ उनके साथ थी इतनी बेगैरत औरत है ये अब आ गई आंसू बहाने अब इसके आंसुओं पे सब तर्स खाएं पता नहीं उनके साथ क्या होगा अब छितर पड़ेंगे छितर लित्तर डंडे बर्फ़ की सील पे लिटाया जाएगा जूते मारे जाएंगे जहीर को शब्बीर को पता चला उसकी माँ चांटे खाएगी उसके बाद तुम्हारे ये जो दोस्त बने हैं ना नए तुम्हारे यार इनकी बेटियों की शादी होगी फिर जहीर से अब बेवा माँ और वो सब कर रहे हो ना तो कर लो अपने इन दोस्तों से बोलो वो मियाँ से बोलो मियाँ साहब से ये जाफरी से बोलो उसकी माँ से निकाह कर लें इतना तरस आ रहा है उस औरत पर गंगूबाई पर बे औरत छोटी गुलाबो आंटी तूने पूरा पूरा वो ही किरदार अदा किया है शर्म आनी चाहिए बे पर और लानते भेजें इस पर तो जितनी भेज सकते हैं गालियां दें और हैशटैग चलाएं है इसके सारे सारे प्रोजेक्ट से निकाला जाए इसको जिस ऐड में भी इसको लिया गया है और जिस प्रोजेक्ट में भी इसको लिया गया है इसके ख़िलाफ़ कैम्पेन चलाई जाए कि इसको नहीं लिया जाएगा वो चीज़ नहीं ख़रीदी जाएगी जिस ऐड में ये औरत होगी उस उस जो प्रोडक्ट है उसका बाइकआउट करें ट्विटर पे सब पे कि नहीं ख़रीदेंगे जिस ऐड में ये औरत होगी वो चीज़ नहीं ख़रीदेंगे हम लोग जिस प्रोजेक्ट में ये औरत होगी ड्रामे में इसमें पता नहीं कौन से ड्रामे में क्या किरदार करती है मैंने तो आज तक नहीं देखा ये फ्लॉप तरीन औरत होगी तो उस ड्रामे को नहीं देखा जाएगा उस चैनल का बाइकआउट कर दें ये ट्विटर पे चलाना चाहिए ट्रेंड हर हर तरह से इस औरत का बाइकआउट करना चाहिए ये ऐसे नहीं सुधरेगी ये अभी भी नहीं सुधर रही है इसको अपने जो आते हुए पैसे थे वो अब नहीं मिलने की उम्मीद हो गई है तो ये इसलिए रो रही है ये लोग इसलिए तड़प रहे हैं जी फिर मिलेंगे इन लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करिएगा फिर बनाऊंगी इनशाला अगर कोई अपडेट और मिली कुछ हुआ तो हजारा का पता चला कि वो रिकवर हो गई है सब कुछ हो गया है तो इन ज़रूर वीडियो आएगी ओके जी मेरे दोनों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए अल्लाह हाफ